भारतीय शांति रक्षक जितेंद्र कुमार उन 119 सैन्य पुलिस एवं असैन्य कर्मियों में शामिल हैं, जिन्हें उनके साहस एवं बलिदान के लिए मरणोपरांत इस साल प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पर कोई भी अवैध तरीके से शिविर लगाकर ना रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ईवीएम विवाद को लेकर कहा कि मैं मतदाताओं के फैसले के साथ कथित छेड़छाड़ की खबरों को लेकर चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में मंगलवार सुबह तकनीकी खराबी आने से सेवा बाधित हो गई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली को हरियाणा के हुड्डा सिटी सेंटर से जोड़ती है। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट ने विभिन्न बैंकों से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाले संगठित गिरोह के सरगना सहित चार लोगों को थाना कविनगर अंतर्गत इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस गिरोह के निशाने पर क्रेडिट कार्ड होल्डर आर्मी के जवान भी थे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे राज्य का है, तो आपको डीएल पर दर्ज पता बदलवाने या उसे नवीनीकरण के लिए संबंधित राज्य के आरटीओ से एनओसी लेने की जरूरत नहीं। दिल्ली परिवहन विभाग ने मोटर लाइसेंसिंग अफसर को एनओसी नहीं मांगने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को 100% मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज की। यह याचिका चेन्नई की एक गैर सरकारी संगठन टेक फॉर ऑल की ओर से दायर की गई थी। पैदल यात्रियों के लिए सेक्टर 62 कट पर फुटओवर ब्रिज की निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के बाद जल्द ही दिल्ली एनसीआर का सबसे लंबा एफओबी छिजारती गांव और राहुल विहार के पास एनएचएआई बनने जा रहा है। एफओबी की लंबाई करीब 130 मीटर होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें दोनों ओर स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के खत्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जहां ऑटो किराए में बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा, वहीं मिनी बसों व आरटीबी के किराए में बढ़ोतरी की प्रक्रिया भी शुरू होगी। भारत को सुधीरमन मिश्रित टीम चैंपियनशिप के ग्रुप 1D के मैच में मलेशिया ने 3-2 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को करारा झटका दिया। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।